फाल्गुनी पाठक संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर सभी को 90 के दशक का वो समय याद आ जाएगा जब वो बेहतरीन हिंदी गाने गाया करती थी। हिंदी और गुजराती सिंगर फाल्गुनी पाठक आज भी कई देशों में जाकर लाइव परफॉर्मेंसेस देती हैं। कई साल बाद अब फाल्गुनी पाठक अपना पहला गुजराती गरबा म्यूजिक वीडियो लेकर आ रही हैं। ये जो गाना आप सुनेंगे वो बहुत ही खूबसूरत गाना है। चहल हाड़ा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल वन ऑफ माय, बोलते ना बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माय करियर, ऐसा आप बोल सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू अशोक भाई फॉर द वंडरफुल लिरिक्स। मैं तुमने बहुत तकलीफ आ भी, पर अल्टीमेटली बहुत सुपर सॉन्ग थे, उसे वंडरफुल लिरिक्स। थैंक यू ललिता जी, बहुत ही सुपर कोरियोग्राफी है। एंड थैंक यू द एंटायर टीम, एंड आई एम वेरी प्राउड के आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। नॉर्मली ऐसा होता ना कि आप हम लोग एक गाना सुनते हैं तो उसको ग्रेजुअली सुन के फिर वो ग्रो होता है हमारे अंदर, लेकिन ये गाना ऐसा आप पहली बार सुनोगे ना, पहली बार ही आपके दिल के अंदर उतर जाएगा। फाल्गुनी के इस गाने का नाम है राधा ने श्याम, जिसे खास तौर पर गरबा के लिए बनाया गया है। खास बात ये है कि ये वीडियो उनका पहला गुजराती गरबा वीडियो है। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि ये पहला गुजराती गरबा का वीडियो सॉन्ग रिलीज इतने बड़े पैमाने में होने जा रहा है, तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड थैंक्स टू जिगरन सुरत एंड द एंटायर टीम। इसमें आपको आत्मा मिलेगी, इसमें आपको सोल मिलेगा, इसमें आपको रूह पकड़ में आएगी। अरे मेरे दिल को छूता है, वो सबसे अलग चीज़ है। जो हमने आगे सार पे कितने गाने हम लोगों ने पहले किए, चाहे राम चाहे लीला किया है, बिल्कुल, या दीवानी मस्तानी किया था मैंने, या अभी लेटेस्ट घूमर किया था, वो दिल से किया था हम लोगों ने, पहुंचा आप लोगों तक, ये भी पहुंचेगा। फाल्गुनी पाठक ने साल 1997 में सिंगिंग में डेब्यू किया था। वो खास दौर म्यूजिक सिंगल्स और इंडिपेंडेंट एल्बम्स का था। तब फाल्गुनी ने मैंने पायल है छनकाई, मेरी चुनर उड़ उड़ जाए, सांवरिया तेरी याद में जैसे बहु प्रचलित गाने गाए। आज भी इनके गानों को पसंद से सुना जाता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।